फर्स्ट ईयर वॉइस क्लियर है अब? फर्स्ट ईयर? यस मैम। अब क्लियर है? यस मैम। ओके, तो फर्स्ट ईयर यूनिट थर्ड आपकी स्टार्ट होने वाली है आज, ठीक है? यूनिट थर्ड में क्या है? मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है? मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, हमें पता है डोसेज फॉर्म डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है? उनमें से है एक मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या आते हैं? हमारे ईयर ड्रॉप्स आते हैं, नेजल ड्रॉप्स आते हैं जो नोज़ के लिए ड्रॉप्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है? लिनिमेंट आते हैं, लोशन आते हैं, सिरप्स वगैरह आएंगे, एलिक्सर आएंगे, ठीक? सबको पता है, ठीक है? तो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती क्या है अगर हम बताएं? तो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या होगा? दो कंपोनेंट, ठीक है? दो कंपोनेंट जो होते हैं, एक या एक से ज़्यादा दो कंपोनेंट जो होंगे वो एक साथ मिलके क्या बनाएंगे? मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाएंगे, ठीक है? आप उनको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूँ तो डेफिनेशन में क्या होगा? मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म रिफर्स टू लिक्विड प्रिपरेशंस। क्या होती हैं? लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट इन वन फेज सिस्टम एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है? तो क्या होगा मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में? लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं और वो एक साथ कंपोनेंट कंट्रीब्यूट होकर क्या बनाएंगे? एक वन फेज सिस्टम बनाएंगे, सिंगल फेज सिस्टम बनाएंगे, ठीक है? और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रू सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? जैसे हमने क्या ले लिया? प्रिजर्वेटिव ले लिए, ठीक है? और क्या ले लिया हमने? फ्लेवरिंग एजेंट ले लिए, कलरिंग एजेंट ले लिए, उन सबको क्या कर दिया हमने? मिक्सअप कर दिया, मिक्स करके, ठीक है? एक सॉल्यूशन बनाया, वो अलग अलग सॉल्यूशन ही बनाया हमने, उसे एक ही कंटेनर में क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या कहला रहे हैं? मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहला रहे हैं। क्लियर है फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर? यस मैम। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो पूछ लो बच्चों। फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर सबको क्लियर है? मैम समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको इसको लेक्चर को मैं समझाऊंगी, फिर इसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, ऐसे सही रहेगा ना? फर्स्ट ईयर, ठीक है? तो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में क्या होता है? दो प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है? प्रिपरेशंस में क्या होगा? दो कंपोनेंट होंगे और कंपोनेंट मिक्सअप करके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल फेज सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोल रहे हैं। क्लियर है? फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर, ठीक है? अब क्या है इसमें सबसे पहले जो आ रहा है? सबसे पहले इसमें क्या आ रही है? गार्गल्स। एनी आइडिया कि गार्गल्स क्या होती हैं? गार्गल्स अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। यस मैम। गागल्स क्या होती हैं? जो आपने देखा होगा जब आपका गला वगैरह ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो आप गरारे करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? गरारे करते हैं, ठीक है? या तो आप पानी से ही करते हैं, ठीक है, या आप उसमें सॉल्ट डाल के तब गरारे करते हैं, या ऐसा होता है अगर हमारी इसमें फार्मेसी में बात करें तो फार्मेसी में क्या होता है? फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? गागल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गागल्स बोलते हैं, ठीक है? तो गागल्स क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है यूज्ड इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। जब हमारी थ्रोट में, ठीक है, थ्रोट में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तब हम क्या करते हैं? गागल्स को यूज़ करते हैं। गागल्स क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है? ठीक है बच्चे, गागल्स क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है और यूजुअली हम इनको यूज़ कब कर रहे हैं? यूज़ हम इनको करते हैं थ्रोट इन्फेक्शन जब हमारे पास हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तब हम इनको गागल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? अब क्या है इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन? इसमें जो आपके थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इसमें दे रखे हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की ये प्रिपेयर्ड कैसे होंगे, कि ये कैसे कैसे बनाए जाते हैं, और अगर हम बना भी रहे हैं तो इसमें हम कौन से इन्ग्रीडियंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हो या कंपोनेंट भी बोल सकते हो कि कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो पहले अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, गागल्स को किस लिए यूज़ कर रहे हैं? थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ कर रहे हैं और एक्वस सॉल्यूशन है ये, ठीक है, मतलब इसमें लिक्विड की कंसिस्टेंसी है।
तो गागल्स में अगर हम एडिटिव्स की बात करें, ठीक है, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम को सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट क्या होता है, थोड़ा लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक। सॉल्यूट क्या ले लिया हमने, सिंपली अगर हम बात करें तो सॉल्ट सॉल्यूट ले लिया हमने, उसमें उसको हमने मिक्सअप कर दिया, ठीक ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस पहले समझ लो, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। क्लियर है बच्चों, फर्स्ट ईयर? यस मैम। ठीक है, तो हम इसमें सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट मतलब जो लार्ज अमाउंट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट कौन कौन सकता हो सकता है इसमें, ग्लिसरीन वगैरह, ग्लिसरीन जो होती है, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकॉल हो जाता है, ठीक। ग्लिसरीन हो जाती है, प्रोपाइलिन, ग्लाइकॉल हो जाता है, ठीक। और दूसरा क्या है कि इसमें जो थ्रोट पेंट जो है हमारा, जो थ्रोट इन्फेक्शन जो हो रहा है हमारा, थ्रोट इन्फेक्शन में कौन सा मेडिकामेंट है जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को साफ करेगा, ठीक है, या क्लियर करेगा, तो इसमें मेडिकामेंट हो जाता है फिनॉल हो जाता है, थाइमोल, पोटेशियम क्लोराइड, वोलेटाइल ऑयल, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। गागल्स क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, जनरली यूज़ कर रहे हैं हम थ्रोट इन्फेक्शन में, ठीक। अब इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या है कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले है कोसॉल्वेंट, क्या है, कोसॉल्वेंट, कोसॉल्वेंट में क्या है, ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। कोसॉल्वेंट में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, कोसॉल्वेंट लिखना, कोसॉल्वेंट डैश करके लिखना, ग्लिसरीन या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। फर्स्ट ईयर? यस मैम। नेक्स्ट है मेडिकामेंट, जो मेन मेडिकामेंट है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं हम, वो यूज़ कर रहे हैं हम फिनॉल, थाइमोल, फिनॉल, PHENOL, फिनॉल, थाइमोल, THYMOL, THYMOL, थाइमोल, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, एक्सेट्रा, पोटेशियम क्लोराइड के बाद पोटेशियम परमैंगनेट भी लिखना है तो लिख सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। जैसे मेडिकामेंट है, ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये क्या करते हैं, बैक्टीरियसाइडल वर्क करते हैं, बैक्टीरियसाइडल मतलब जो बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, उनको क्या करते हैं, किल करते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, फिनॉल हो गया, थाइमोल हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट हम क्यों डालते हैं, अब हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, फर्स्ट ईयर कलरिंग एजेंट डाल रहे हैं हमें फर्स्ट ईयर, तो कलरिंग एजेंट अगर कलरिंग एजेंट किस लिए, कि अट्रैक्टिव हो जाए वो सॉल्यूशन, ठीक है, प्लीजेंट उसका अपीयरेंस हो, कि वो हमें देखने में अच्छा लगे, ठीक है। या हम ऐसा करेंगे, अलग अलग जो हम इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उनसे कोई स्पेसिफिक कलर नहीं आएगा, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक कलर लाने के लिए हम क्या डालते हैं, कलरिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है, जिससे जो हमारा सॉल्यूशन है वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, उसकी प्लीजेंट अपीयरेंस हो, अच्छा दिखे वो, इसलिए हम कलरिंग एजेंट डालते हैं। अब कलरिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे टार्ट्राजीन हो गया, टार्ट्राजीन, ठीक है, टार्ट्राजीन हो गया, कॉमा अमरंथ, A M A
आर ए एन टी एच अमरंथ, ए एम ए आर ए एन टी एच। देखो कलर्स क्या होते हैं आपको पता है, कलर जनरली क्या है, वाइट है, ब्लू है, पिंक है, रेड है, ठीक है। लेकिन जो हम मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसमें हम एफ डी सी डाई फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक, इसकी फुल फॉर्म होती है एफ डी एंड सी डाइज, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज के कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डाइज को हमने अलग अलग नाम दे दिया है, जैसे अमरंथ हो गया, टट्राजिन हो गया, ठीक है फर्स्ट ईयर, ठीक है। जनरली हमें पता है कि कलर कौन कौन से, वाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, ठीक है, पिंक है, रेड है और ब्राउन है। लेकिन हम जो हमारा मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम एफ डी एंड सी डाइज के कलर यूज़ कर रहे हैं। एफ डी एंड सी, एफ डी मतलब फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक डाइज के कलर यूज़ कर रहे हैं। उनकी नेमिंग कैसे है, अमरंथ है, टट्राजिन है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव हम किस लिए यूज़ करते हैं सॉल्यूशन में, प्रिजर्वेटिव हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें कोई बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया अटैक ना कर सके और जो हमारा सॉल्यूशन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, ठीक। प्रिजर्वेटिव किस लिए कर रहे हैं, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह हैं उसमें वो ग्रोथ उसमें ना कर सके, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई सॉल्यूशन लंबे टाइम तक रखा है तो क्या हो जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया हो जाते हैं ना वो ग्रो कर जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं उसमें, जो अच्छी क्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं कि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना हो जाए और जो हमारा सॉल्यूशन है वो लंबे टाइम तक चले, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हैं, जैसे फिनॉल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, फिनॉल एज एन मेडिकेंटमेंट भी यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। फिनॉल, बेंजोइक एसिड हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट। अब फ्लेवर किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हो वैभव, प्रिजर्वेटिव जो होते हैं हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में जो है एक तो लंबे टाइम तक चले वो, ठीक है। और उस वो जो प्रिजर्वेटिव इसलिए यूज़ करते हैं कि वो इन जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, बैक्टीरिया वगैरह नहीं हो पाते उससे, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव कौन से थे, फिनॉल था और बेंजोइक एसिड था। अब है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फ्लेवर के लिए, सबको पता है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, जो उसका एक जो टेस्ट होगा या फ्लेवर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, थोड़ा लग सकता है हमें अजीब लग सकता है, ठीक है। तो फ्लेवरिंग एजेंट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि एक अच्छा जो फ्लेवर है उसका, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकें, जिसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है, एक्सेप्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम फ्लेवर यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। अब फ्लेवरिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जैसे कार्डेमम को क्या बोल रहे हैं हम, दालचीनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दालचीनी, ठीक है। कार्डेमम हो जाएगा, सिनेमन ऑयल, मैंथॉल वगैरह जो होता है, मैंथॉल, कार्डेमम, CARDAMOM, कार्डेमम, सिनेमन ऑयल, मैंथॉल एक्सेट्रा। एंटीऑक्सीडेंट। अब आपको पता है आप गार्गल बना रहे हैं, गार्गल्स में आपने अलग अलग कंपोनेंट यूज़ किए हैं, वाइकल यूज़ किया है, को सॉल्वेंट यूज़ किया है, मेडिकामेंट यूज़ किया है, कलरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, प्रिजर्वेटिव है, फ्लेवरिंग एजेंट है,
ठीक है। अब क्या होंगे, जब हम इनको मिक्सअप करते हैं तो क्या हो जाता है, मिक्सअप कर दिया हमने कि इनको ऑक्सीडेशन ना हो जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना हो जाए। तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट हैं, जो हमने ऐड किए हैं गागल्स में, उनके ऑक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हैं। एंटी ऑक्सीडेंट जैसे कौन से हो गए, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, थायो यूरिया एक्सेट्रा, थायो यूरिया एक्सेट्रा। एस्कॉर्बिक एसिड, थायो यूरिया एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर गागल्स पता चल गए। गागल्स को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, गागल्स को जो हमारी थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, जीभ वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए हम गागल्स को यूज़ करते हैं। गागल्स क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। और गागल्स के हमने अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में जो हम इंग्रेडिएंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। को सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, मेडिकामेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, कलरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हैं। अब हमने उनको बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया सबको मिक्स करके, ठीक है। अब हम क्या करना है, बना तो लिया हमने, अब हम इसको क्या करना है, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है। अब कंटेनर कैसा होना चाहिए, उसके लिए कैसा होना चाहिए, कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लियर ग्लास बॉटल, क्या होनी चाहिए, क्लियर ग्लास बॉटल विद प्लास्टिक स्क्रू कैप, क्लियर ग्लास बॉटल क्या होनी चाहिए, वाइट कलर की जो क्लियर ग्लास बॉटल होती है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, ग्लास बॉटल, ग्लास बॉटल मतलब वो ग्लास का होना चाहिए, प्लास्टिक का कंटेनर नहीं होना चाहिए, ग्लास बॉटल होनी चाहिए जिससे उसकी प्लास्टिक की कैप होनी चाहिए, ठीक है, विद प्लास्टिक स्क्रू कैप इज यूज्ड, ठीक है। कंटेनर कैसा हो जाता है इसका, क्लियर ग्लास बॉटल होनी चाहिए वो, और उसमें प्लास्टिक की कैप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गागल्स का कंटेनर होता है, क्लियर है, ठीक है। कंटेनर में हमने डाल दिया है, फिर उसकी लेबलिंग वगैरह कर लेते हैं कि ये हमारा कौन सा गागल है, उसकी कोई नेमिंग दे देते हैं, फिर उसमें इंग्रेडिएंट लिख देते हैं कि हमने ये इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज़ किए हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ किए हैं। आप देखना किसी कंटेनर पे, सिरप वगैरह के कंटेनर पे ही देखना, सिरप में क्या लिखा रहता है, सिरप का नाम लिखा रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो आरएक्स लिखते हैं, आरएक्स भी लिखा रहता है, आरएक्स, फिर सिरप का नाम लगा रखता है, फिर ईच 5 ml कंटेन, ईच 10 ml कंटेन, वो इंग्रेडिएंट दे के रखते हैं, फिर डैश करके जितना उनका अमाउंट होता है ये दे के रखते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कंपनी नेम, ठीक है, ये इसकी लेबलिंग में आता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, अब है गागल्स के बाद माउथ वॉश, माउथ वॉश, माउथ वॉश, ठीक है। अब जैसे हमारा था गागल्स, था गागल्स को हम थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ कर रहे थे, तो माउथ वॉश को किस लिए यूज़ करते हैं, हम माउथ वॉश को क्या करते हैं, अगर हमारी माउथ कैविटी में, ठीक है, क्या हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माउथ वॉश यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, माउथ वॉश यूज़ करते हैं। अगर माउथ वॉश की डेफिनेशन की बात करें हम, तो क्या होता है, दे आर नॉन स्टराइल एक्वस सॉल्यूशन, क्या होते हैं, नॉन स्टराइल, स्टराइल सॉल्यूशन नहीं होते हैं ये, स्टराइल सॉल्यूशन बहुत जो आपके होते हैं वो स्टराइल कंडीशंस में बनते हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन होता है उनका, तो ये क्या है, नॉन स्टराइल एक्वस सॉल्यूशन है विद प्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, क्या होता है इनका, प्लेजेंट टेस्ट होता है और ऑर्डर भी अच्छा होता है इनकी, ऑर्डर मतलब स्मेल, स्मेल करके हमें पता चल जाता है कि हाँ ये माउथ वॉश है, अच्छी क्वालिटी का है। और किस लिए यूज़ किए जाते हैं, अगर माउथ में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसलिए हम इनको यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं, माउथ वॉश को, ठीक है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक। अब माउथ वॉश की बात करें तो माउथ वॉश क्या है, नॉन स्टराइल एक्वस सॉल्यूशन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, माउथ में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो उसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब इसके फॉर्मूलेशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे,
फॉर्मूलेशन जैसे हुई है, जैसे गार्गल्स की फॉर्मूलेशन हुई थी तो उसमें हमने क्या क्या यूज़ किया था, को सॉल्वेंट यूज़ किया था, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किया था, डिओड्रेंट यूज़ किया था, स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया था, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे ही फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करेंगे हम इसमें। फ्लेवरिंग एजेंट इसमें लिखो जैसे पेपरमिंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट बैक वाले में कौन सा था, कार्डेमम था, सिनेमन था, मैंथॉल था। और माउथ वॉश में जो हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कि एक अच्छा फ्लेवर प्रोड्यूस कर सके वो, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकें, जिसको हम आसानी से ले सकें। तो फ्लेवर कौन सा हो गया, पेपरमिंट, पेपरमिंट, पी ई डबल पी ई आर एम आई एन टी, पेपरमिंट, पेपरमिंट हो गया। स्पेयरमिंट, एस पी ई ए आर एम आई एन टी, स्पेयरमिंट, स्पेयरमिंट, पेपरमिंट हो गया, स्पेयरमिंट हो गया। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का भी एक फ्लेवर आता है, यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है उसकी लीफ से निकलता है ये, यूकेलिप्टस, ई यू सी ए एल वाई, ई यू सी ए एल वाई, एल वाई पी टी यू एस, यूकेलिप्टस एंड मेंथॉल, यूकेलिप्टस एंड मेंथॉल, एंड मेंथॉल, मेंथॉल, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ये इसके फ्लेवरिंग एजेंट हैं, ठीक है। अब फ्लेवरिंग एजेंट के अलावा हम क्या यूज़ कर रहे थे, को सॉल्वेंट यूज़ कर रहे थे, को सॉल्वेंट ग्लीस, गागल्स में हमने कौन सा यूज़ किया, गागल्स में, फर्स्ट ईयर गागल्स में हमने कौन सा यूज़ किया है, को सॉल्वेंट, कौन सा को सॉल्वेंट यूज़ किया है, हमने यूज़ किया ग्लिसरीन या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो ग्लिसरीन और जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है वो को सॉल्वेंट सेम यूज़ करेंगे जो हमने गागल्स में यूज़ किया है, ठीक है। जो गागल्स में को सॉल्वेंट यूज़ किया है ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, वो सेम यूज़ होगा इसमें माउथ वॉश की प्रिपरेशंस में, ठीक। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट हमने कौन सा यूज़ किया था, टार्ट्राजिन जो गागल्स में यूज़ किया था, और अमेरेंथ, तो वो भी सेम रहेगा जो हमने गागल्स में यूज़ किया है, वो भी माउथ वॉश में ही चलेगा, ठीक है। जैसे को सॉल्वेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, और क्या होता है प्रिजर्वेटिव्स हो गए, मेडिकामेंट हो गए, वो सेम यूज़ होंगे एज इन द प्रिपरेशन ऑफ गागल्स, जो गागल्स की प्रिपरेशंस में यूज़ हुए हैं वही हम सेम यूज़ करेंगे माउथ वॉश की प्रिपरेशंस में। इज दैट क्लियर? यस मैम, मैम, ओके। माउथ वॉश हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा थ्रोट पेंट, थ्रोट पेंट, थ्रोट पेंट, थ्रोट पेंट, ठीक है। अब थ्रोट पेंट और गागल्स, गागल्स हमने किया था अगर थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो जाते तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। अब थ्रोट पेंट की बात आती है, गागल्स और थ्रोट पेंट का काम एक ही है, ठीक है। क्या है, काम एक ही है। जब आपको लगता है कि आपका जो म्यूकस है, ठीक है, जो माउथ के अंदर जो हमारा सलाइवा प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस में अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो हम क्या करते हैं, थ्रोट पेंट को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, थ्रोट पेंट को यूज़ करते हैं। तो थ्रोट पेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो थ्रोट पेंट क्या है, दे आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। क्या है, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है ये, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, किस लिए यूज़ करते हैं, माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन अगर कभी हो जाता है तो हम इनको यूज़ करते हैं। विस्कस मतलब थोड़ा क्या है, इनकी कंसिस्टेंसी जो क्या है, बिल्कुल सिरप टाइप की नहीं है, थोड़े विस्कस हैं, मतलब जिसको हम सिंपल बोलते हैं थोड़े गाढ़े टाइप के हैं, ठीक है, थोड़े हैवी हैं ये, जैसे ग्लिसरीन आपकी होती है,
ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती। क्या होती है वो? बिल्कुल क्लियर नहीं होती ग्लिसिन आपकी, ठीक है, थोड़े विस्कस टाइप की होती है ना। तो थ्रोट पेंट भी क्या होते हैं? दे आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। और किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम इनको? माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, या म्यूकस मेम्ब्रेन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तब यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर। यस मैम। अब इसमें भी थोड़े विस्कस हैं ये, तो विस्कस किसकी वजह से होंगी? जैसे आप, मैंने आपको बताया ग्लिसरीन वगैरह जो होता है वो विस्कस प्रिपरेशन होती है। ग्लिसरीन सबके घर में होती है, देखी होगी सबने। ठीक, तो इसका जो सॉल्वेंट है वो क्या है? ग्लिसरीन ही है, जो हम इसे सॉल्वेंट क्या होता है? लार्ज अमाउंट में होता है। और सॉल्यूट क्या होता है? मिनिमम अमाउंट में होता है, जो हम मिक्स करते हैं। तो इसका सॉल्वेंट जो है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? हम डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे? जैसे सॉल्वेंट है, इसमें ग्लिसरीन है, क्या है? ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन। ग्लिसरीन हो गया और लिक्विड पैराफिन हो गया, ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन। ठीक है, अब मेडिकामेंट की बात करें। इसमें मेडिकामेंट जो होते हैं, मेडिकामेंट मतलब मेन इंग्रेडिएंट जो होते हैं, मेडिकामेंट है इसमें आयोडीन हो गया, आयोडीन। आयोडीन जो होता है एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, आयोडीन हो गया, क्रिस्टल वॉयलेट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? एंटी अफेक्टिव एजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो मेडिकामेंट में ही है, वो हो गए फिनॉल, थाइमोल। फिनॉल, थाइमोल, क्या हो गया? फिनॉल, थाइमोल, फिनॉल और थाइमोल। ठीक है, सॉल्वेंट कौन सा था? ग्लिसरीन था और लिक्विड पैराफिन था, ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन। ठीक है, अब मेडिकामेंट, मेडिकामेंट में क्या है? इसमें आयोडीन हो गया, क्रिस्टल वॉयलेट हो गया और फिनॉल हो गया, थाइमोल हो गया। ठीक है, फिनॉल, थाइमोल, जो है ये सारे मेन इंग्रेडिएंट चल रहे हैं आपके माउथ गागल्स में भी यूज़ किया है, ये हमने माउथ वॉश में भी यूज़ किया है, और किस में यूज़ कर रहे हैं हम इसे? थ्रोट पेंट में भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक, टैनिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, ये भी यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट किस लिए यूज़ करते हैं? फ्लेवर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट जो इसमें हो गया, वाटर हो गया, स्पेयरमिंट, स्पेयरमिंट जो हमने माउथ वॉश में भी यूज़ किया है, स्पेयरमिंट हो गया, पेपरमिंट हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, मेंथॉल हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं थ्रोट पेंट की प्रिपरेशन में। ठीक, स्वीटनिंग एजेंट, अब आते हैं इसमें स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, जो थोड़ा स्वीटनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉल्यूशन को। स्वीटनिंग एजेंट जैसे सोडियम सैकेरिन हो गया, सोडियम सैकेरिन, सोडियम सैकेरिन, सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल, ये स्वीटनर्स होते हैं। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स, सोडियम सैकेरिन, सॉर्बिटॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, और क्या यूज़ करेंगे हम? प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, मिथाइल पैराबीन हो गया, इथाइल पैराबीन हो गया, पैराबीन के ये डेरिवेटिव्स होते हैं, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबीन, इथाइल पैराबीन एक्सेट्रा। ठीक है, मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की अगर बात आती है, उसमें गागल्स आ रहा है, थ्रोट पेंट आ रहा है आपका, माउथ वॉश आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि गागल्स किस लिए यूज़ कर रहे हैं। एक लाइन लिखो कि गागल्स आर यूज्ड एज यूज इन द इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन में यूज़ हो रहे हैं, जो इसमें हमने इंग्रेडिएंट हैं एक एक लाइन में लिख देना कि ये इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं। एक बार इनको पढ़ोगे लिखोगे तब समझ आ जाएंगे ये। फर्स्ट ईयर, यस मैम।
ठीक है। अब इसी में आता है सिरप, सिरप आता है इसमें, सिरप। अब सिरप क्या है, मैंने पहले ही बताया आपको, सिरप, सिरप फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर सिरप भी बताया था, एलिक्सर भी बताया था कि सिरप ये है और एलिक्सर, सिरप मैम ये भी एक्वस प्रिपरेशन है। एक्वस प्रिपरेशन है जिसमें 60 to 80% सुक्रोज होता है, ठीक है। और किस लिए यूज़ करते हैं, जब अगर हमारे को कफ वगैरह हो जाती है, ठीक है, कफ वगैरह मेडिसिनल तो एजेंट, और इसको फ्लेवर वगैरह के यूज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं सिरप को। तो सिरप क्या है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। सिरप क्या है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है शुगर का, किसका, शुगर का, ठीक है। अब कौन सी शुगर होती है इसमें, जनरली क्या होती है, सुक्रोज, कौन सी है, सुक्रोज, ठीक है। और किस लिए यूज़ किया जाता है, ये मेडिसिनल एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ये अपने की जो मेडिसिन नेली जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है किस चीज़ का, शुगर का। और शुगर कौन सी होती है इसमें, सुक्रोज यूज़ हो जाती है, ठीक है। सुक्रोज कितनी, 60 to 80% तक, वैसे जनरली जो इसकी जो लिमिट होती है 66.6% वेट बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिरप, सिरप्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सिंपल सिरप, ठीक है, क्या है, सिंपल सिरप। सिंपल सिरप में क्या होगा, व्हेन वाटर इज यूज्ड अलोन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन। सिंपल सिरप में क्या होगा, वाटर यूज़ करेंगे हम, ठीक है, वाटर यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, सुक्रोज सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। सुक्रोज सॉल्यूशन में हमने वाटर को ऐड कर दिया, ठीक, तो क्या बन गया, सिंपल सिरप बन गया, क्या बन गया, सिंपल सिरप बन गया ये, ठीक है। दूसरा है मेडिकेटेड सिरप, मेडिकेटेड सिरप, मेडिकेटेड सिरप जैसे हमें कफ वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब अपना थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जैसे कोडीन का सिरप हो जाता है, अपने अलग अलग फेरस सल्फेट का सिरप हो गया, ठीक है। मेडिकेटेड सिरप की अगर हम बात करें, व्हेन सिरप कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर थेरापेटिक पर्पस, इसमें मेडिकेटेड सिरप में मेडिकेट मेडिसिन से पता चल रहा है, मेडिकेटेड से कि मेडिसिन यूज़ होंगी, कि जब वो अपना मेडिसिनली इफेक्ट प्रोड्यूस करे तब हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड सिरप को यूज़ करते हैं। सिंपल सिरप में हमने वाटर और सुक्रोज को मिक्सअप करके सिंपल सिरप बना दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। अब थर्ड होता है हमारा फ्लेवर्ड सिरप, जिसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, नाम से पता चल रहे हैं कि फ्लेवर्ड सिरप, तो फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्लेवरिंग एजेंट कौन कौन से हो गए, जैसे ऑरेंज का सिरप हो गया, लेमन सिरप हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, जो छोटे बच्चों को दिए जाते हैं, छोटे बच्चों को जब तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है ना उनकी, तब दिए जाते हैं उनको, तो उसमें फ्लेवर हम ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कड़वे सिरप वगैरह नहीं ले पाते ईजीली, ठीक है, तो उसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर लेते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा हो गया, ऑरेंज का सिरप हो गया, लेमन सिरप हो गया, ठीक है बच्चे, फर्स्ट ईयर। ओके, अब क्या है इसकी फॉर्मूलेशन कंपोनेंट ऑफ सिरप, फॉर्मूलेशन, अब इसमें हम कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो यूज़ कर रहे हैं अगर हम इसकी बात करें तो, ठीक है। तो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है क्या है इसमें, सिरप में क्या है, सुक्रोज है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। और अदर सुक्रोज के, और जो अदर सुर जो शुगर है हमारे उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, मैनोज हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ कर रहे हैं सिरप में, सुक्रोज को मेन इंग्रेडिएंट एज ए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर। और इसमें क्या है, अब व्हीकल क्या है कि जिसमें हम इसको डिसॉल्व करते हैं, व्हीकल कौन कौन सा हो गया, वाटर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, एज ए व्हीकल हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स और जो मेडिकामेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो मेन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कलरिंग एजेंट वही हो गए, जैसे अमेरंथ हो गया, टार्टरजीन का सॉल्यूशन हो गया, जिससे अट्रैक्टिव अपीयरेंस आए उसकी। फ्लेवरिंग एजेंट की फ्लेवर अच्छा प्रोड्यूस हो,
जैसे रसबरी जूस भी होता है, लेमन जूस होता है, वनीला फ्लेवर भी होता है, ठीक है। अलग अलग फ्लेवर हमने इसमें डाल दिए। प्रिजर्वेटिव किस लिए? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें और बैक्टीरिया वगैरह ना प्रोड्यूस हो उसमें, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है ये हमारा, ठीक है। और शुगर का सॉल्यूशन, शुगर में तो सबसे ज़्यादा अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव कौन सा हो गया? बेंजोइक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, मिथाइल पाराबीन हो गया, ये हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं। अब है मेडिकामेंट जो इफ़ेक्ट देंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं ना, पैरासीटामोल का सिरप यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल किस लिए यूज़ करते हैं? एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट देता है, ठीक है, दर्द को कम कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एनाल्जेसिक भी मेडिकामेंट यूज़ होंगे, ठीक। एंटी एमेटिक, कभी कभी आपने देखा छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, वोमिटिंग के भी मेडि वो सिरप दिया जाता है कि एमेसिस उनकी वॉमिटिंग जो है रुक सके, ठीक है, वो जल्दी से कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो एंटी एमेटिक सिरप भी होते हैं, ठीक है, कफ सिरप्स भी होते हैं। तो अलग अलग के हम मेडिकामेंट इसमें यूज़ करते हैं। क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे हमने इनको क्या किया था, जैसे हमने गागल्स था उसको सिंपल हमने इंग्रेडिएंट्स लिया, उनको मिक्सअप कर दिया, सॉल्यूशन बन गया, हमने उसको कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा माउथ वॉश। माउथ वॉश में भी इंग्रेडिएंट को कलेक्ट किया, हमने मिक्सअप किया और सॉल्यूशन बना के हमने कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही हमारा थ्रोट पेंट था, इंग्रेडिएंट्स लिए, जब हमें पता है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, उनको कलेक्ट किया, सॉल्यूशन बनाया और हमने क्या कर दिया, उसमें कंटेनर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिरप्स की, कि सिरप जो होते हैं हमारे वो किस किस टाइप के मेथड से बनते हैं, ठीक है। इनका तो हमने क्या किया, जो गागल्स, माउथ वॉश और थ्रोट पेंट था, हमने कलेक्ट किए, इनको मिक्सअप कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया और कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब बात आ रही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप, सिरप की कैसे 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 बनते हैं। अब सिरप की अगर हम बात करें बच्चों, तो थ्री टाइप से बनते हैं सिरप। क्या होता है? थ्री टाइप से बनते हैं। पहला है सॉल्यूशन विद द एड ऑफ हीट, सॉल्यूशन विद द एड ऑफ हीट। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशंस जो होंगे हमारे उनको हम क्या करेंगे, हीट देंगे। क्या करेंगे? हीट देंगे, ठीक है। एक टेम्परेचर होगा जिस पे हम हीट देंगे, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या करेंगे, उससे मिक्सअप हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है। घुल के क्या बन जाएगा, सिरप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिरप बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया कि ये हीट के तरह से बने हैं, हीट की हेल्प से ये हमारा सिरप जो बना है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन विद एजिटेशन, सॉल्यूशन विद एजिटेशन, एजिटेशन। एजिटेशन में भी क्या होता है, जैसे जो हमने इसमें क्या किया था, हीट में किया था, हीट में वो मेल्ट हो रहे हैं जो हमारे इंग्रेडिएंट्स, और क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। और इसमें एजिटेशन में क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है उनका, ठीक है, एजिटेट हो रहे हैं, या तो वो अप डाउन मूवमेंट हो रहा है उनका, जो मिक्सअप हो जाए, हम जैसे हमने किसी कंटेनर में दो तीन इंग्रेडिएंट यूज़ कर लिए और क्या कर रहे हैं, उनको एजिटेट कर रहे हैं, ठीक है, मूव ऑफ कर रहे हैं उनको, ठीक है, शेक कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, या क्या कह रहे हैं, वो राउंड मूवमेंट में एजिटेट हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं, राउंड मूवमेंट में एक जगह घूम रहे हैं, किसी कंटेनर में डाल के हमने उनको एजिटेशन पे लगा दिया, ठीक है, तो वो मिक्सअप हो जाएंगे, राउंड राउंड जब वो घूमेंगे तो क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, तब भी हमारा सिरप बन जाएगा। क्या होगा, हमारा सिरप बन जाएगा, ठीक है। एक तो हीट की हेल्प से बनते हैं, एक एजिटेशन की हेल्प से बनते हैं, एक होता है परकोलेशन मेथड, परकोलेशन मेथड, ठीक है। परकोलेशन जो मेथड था आपका, पहले ज़माने में यूज़ करते थे, अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये परकोलेशन मेथड, ठीक है, मतलब पहले यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, सुक्रोज को हम क्या करते थे, वाटर के साथ मिक्सअप करके एक सॉल्यूशन बना लेते थे, ठीक है, फिर इसको हम क्रिस्टलाइजेशन करते थे इसका, ठीक है, जो शुगर में कुछ क्रिस्टल्स वगैरह मिलते हैं तो उनको हम क्रिस्टलाइजेशन करते थे। क्रिस्टलाइजेशन से क्या होती थी, जो हमारी शुगर थी वो डिजॉल्व हो जाती थी, ठीक, इसको हम क्या बोलते थे, परकोलेशन मेथड। अब जनरली कैसे बनते हैं, जो हमारा सिरप है, एजिटेशन मेथड से बनता है या हीटिंग मेथड से बनता है, ठीक है बच्चों। यस मैम। आज के लिए इतना ही, मैं इसके आपको नोट सेंड कर देती हूँ अभी, ठीक है, उनको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना आप लोग, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कल पूछ लेना मेरे से। ओके मैम। ओके।
जहाँ तक पढ़ाया है, यस एक बार दोबारा से इसमें से नोट कर लेना, तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक है मैम। बच्चों अटेंडेंस हो गई, नहीं अटेंडेंस अब होगी आपकी, ठीक है बच्चों, थैंक यू। यस मैम। अब अटेंडेंस लगवाओ।